नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वाराणसी पुलिस आए दिन अवैध शराब संग कच्ची शराब बनाते हुए पकड़ रही है। आबकारी विभाग को अवैध शराब पकड़ने के लिए मुखबिर पर खर्चे को पैसा मिलता है। आखिर पैसा जाता कहाँ है और इतनी बड़ी फौज करती क्या है? विधानसभा चुनाव आते ही शराब की तस्करी और जमाखोरी का सिलसिला तेज हो जाता है। विधानसभा चुनाव के साथ ही होली आने वाली है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की खपत को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रदेश के पड़ोसी राज्य हरियाणा से अवैध शराब लाई जा रही है। यह जरूर है कि हरियाणा से आने वाली अवैध शराब को पकड़ने के लिए आबकारी विभाग की टीम लगाई गई है, लेकिन वह पकड़ने में पूरी तरह विफल है। पुलिस आए दिन अवैध अंग्रेजी शराब के साथ कच्ची शराब बनाते हुए पकड़ रही है, जबकि आबकारी विभाग को अवैध शराब पकड़ने के लिए मुखबिर पर खर्चा करने को पैसा मिलता है। आखिर वह पैसा जाता कहाँ है और इतनी बड़ी फौज करती क्या है? प्रदेश और जिले में शराब तस्करी कोई नई बात नहीं है, लेकिन बिहार में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक होने के साथ ही उत्तर प्रदेश से बिहार तस्करी कर शराब बेची जा रही है। बिहार में अवैध तरीके से शराब बेचने का मामला कई बार उजागर हो चुका है। हर बार पुलिस और आबकारी विभाग पकड़ कर वाहवाही लूटती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती है। जो कार्रवाई उनके खिलाफ होती है वह कुछ ही दिनों में जमानत पर बाहर होते हैं। ऐसे में शराब तस्करों को आबकारी और पुलिस विभाग का कोई डर नहीं रहा। पिछले दिनों रायबरेली जनपद में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत होने पर आबकारी आयुक्त ने नाराजगी जताई थी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया था कि जिस जनपद में अवैध तरीके से शराब बनाते हुए पाई गई वहां के जिला आबकारी अधिकारी और इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई होगी। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।